करनाल से खबर, जहां करनाल में कोरोना से दूसरी मौत हुई है। कल रात मेडिकल कॉलेज शख्स आया था और मौत के बाद जो टेस्ट है वो पॉजिटिव पाया गया। कर्ण विहार का निवासी बताया जा रहा है मृतक। वहीं 10 दिन पहले बहादुरगढ़ से शख्स वापस आया था। करनाल में कोरोना के 4 नए केस अब सामने आए हैं। तो करनाल में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ कोरोना से करनाल के अंदर दूसरी मौत हो चुकी है। कल रात मेडिकल कॉलेज में ही वो शख्स आया था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमरजीत फोनलाइन पर है। कमरजीत, क्या भी जानकारी है इस पर? कल करनाल में जो कोरोना की दूसरी मौत हुई है, और ये जो शख्स है, व्यक्ति है, करनाल के कर्ण विहार का रहने वाला था और 10 दिन पहले ही बहादुरगढ़ से लौटा था और पिछले कई दिनों से वो बीमार चल रहा था। उसको कई ऐसे सिम्टम थे और इसी को लेकर वो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में कर्मस्थी हुआ था। और उसी के साथ अगर बात की जाए तो कल उसके सैंपल लिए गए थे। मौत के बाद जो उसकी रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में वो पॉजिटिव पाया गया। इसको लेकर करनाल प्रशासन की अगर बात करें, सिस्टमों की बात करें, सभी ने अपनी जो भी इसकी तहत जरूरी चीजें हैं वो करनी शुरू कर दी। अब देखना यह होगा कि उसका जो अंतिम संस्कार है उसके परिवार वाले करते हैं, जबकि जो प्रशासन द्वारा एक किया जाता है। और इसी के साथ अगर बात है, अलग से ही बल्लोड़ी बाईपास पे कोरोना के कोविड के जो मरीज जिनकी डेथ होगी उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कमरजीत इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल तैयारियां करनाल में की जा रही हैं। 4 नए केस सामने आए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोरोना से करनाल में दूसरी मौत हो चुकी है, जो कि एक बड़ी चिंता का कारण बनी हुई है। हालांकि कल रात मेडिकल कॉलेज में शख्स आया था और मौत के बाद जो शख्स का टेस्ट है वो पॉजिटिव भी पाया गया।